बज चुकी है चुनावी रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, इस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको मिलेगी गांव की सरकार की कमान, चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए झारखंड पंचायत चुनाव पर चुनावी एक्सप्रेस। रंगमटिया निवासी मैं अपने मछिया सिमरडा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ इस बार 2022 मुखिया पंचायत चुनाव में। क्या मुद्दे को लेकर आप आए हैं? मुद्दा जो कॉमन मुद्दे हैं, जो सड़क बिजली पानी रोड शिक्षा स्वास्थ्य, इस पर तो सभी लोग का जो प्रचलित मुद्दा है, आप देखते हैं कि इस पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था ऑलरेडी है, उसके अंदर भी एक पंचायती राज बोल करके एक व्यवस्था का कुछ विशेष परिकल्पना के साथ इस व्यवस्था को लाया गया है, जो इंगित करता है कि एक ग्रामीणों का एक सरकार हो, ये गांव द्वारा निर्णय ले सके, गांव वाले अपने बीच से एक प्रतिनिधि चुने और उनके साथ बैठ के अपने गांव का भविष्य तय कर सके, और गांव के भविष्य में का असीमित दायरा है, उसको सिर्फ सड़क शिक्षा रोड नाला बिजली तक सीमित नहीं रखा जा सकता, उसके अंदर उसके स्वरोजगार की बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आती है, आपको बेहतर आधुनिक शिक्षा की बात आती है, यहाँ के प्रतिभाओं को उजागर करके प्रतिस्पर्धाई बनाने की बात आती है, ताकि यहाँ के जो प्रतिभा है, चाहे खेल का हो या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों का हो, ये इन सारे चीजों को जो है सो एक मंच तक, यानी कि एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर उसको भी मंच मिले, तो बहुत सारे चीजें हैं जो किया जा सकता है। यही कारण है कि देखिए MLA MP बहुत बड़े होते हैं, वो नीति निर्धारक होते हैं, MLA राज्य स्तर पर जाके नीति निर्धारण करते हैं, MP देश स्तर पर करते हैं, फिर भी उनको एक मुखिया के बराबर का कार्यालय सरकार आवंटित नहीं की दी है, तो कहीं कहीं मुखिया को इतना बड़ा कार्यालय देने का खास वजह है, वजह यह है कि वो वहाँ बैठा सके लोगों को, एक एक मुखिया को एक सचिवालय दिया गया है, जिस तरह मुख्यमंत्री के पास सचिवालय है कि आप राज्य के विधायकों के साथ बैठकर विधानसभा में लोग वो चर्चा करते हैं और एक निर्णय लेकर के जनता के हित में सोचते हैं, उसी तरह पंचायत के अंदर एक सचिवालय देना उसी प्रकार उसी का एक छोटा स्वरूप है, क्योंकि देखिए राज्य और केंद्र में जो चर्चाएं होती है तो वहां पर बड़ी बड़ी विषय पर चर्चाएं, कुछ विशेष जरूरत जो है वो अलग है, उसी तरह बगल में चिलौना है तो उसका आवश्यकता कुछ अलग है, यानी उसको आगे ऊपर उठाने के लिए, उसको विकास से जोड़ने के लिए, उसी तरह मालनी का अलग है, अमडीहा का अलग है, हरिपुर का अलग है, मछिया सिमंडा का अलग है, लालपुर का अलग है, तो हरिपुर का भी अलग है, इसी तरह से अब मेरा कहना है कि ये छोटा स्वरूप जो सचिवालय का है वो बेसिकली इसलिए दिया गया है कि जहाँ का जो जरूरत है, छोटा छोटा जरूरत जो बड़ी बड़ी जो राज्य सरकार केंद्र सरकार से छूट जाती है, उस जरूरत को पंचायत सचिवालय उजागर करे, प्रस्तावित करे और सरकार का ध्यान आकर्षण कर सके। सिर्फ ये जिम्मेदारी मुखिया की नहीं होती है कि वो जो काम मिल गया सरकार से उसका सिर्फ निष्पादन करा देना, उसको खत्म कर देना, बल्कि वहाँ के जरूरत को चिन्हित कर बताना भी है सरकार को, उसको निर्देशित मार्गदर्शित करना। तो हम इस थीम पर काम करेंगे, जो कोऑपरेटिव सिस्टम हरियाणा गुजरात पंजाब में एग्रीकल्चर पशुपालन, साउथ में जाइए मत्स्य पालन में, तो आप गुजरात में भी वो कल्चर है, आप देखिए जैसे कि आपका पापड़ लिज्जत पापड़ का नाम सुने होंगे, वो एक महिला ग्रुप उसको स्टार्ट किया और आज वो करोड़ों की कंपनी है, उसी तरह अमूल स्प्रे भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो यहाँ जैसे देखिए अभी हर पंचायत में गाय का शेड दिया गया पिछला सत्र में, तो सरकार की परिकल्पना सिर्फ गाय का शेड बना करके उसमें जलावन लकड़ी भरने का नहीं था, उसमें सरकार का जो पूरा प्रोजेक्ट है कि उस शेड में फिर दो दो गायें देनी है, और जैसे ही वहाँ पर एक 10,000-20,000 लीटर दूध का एक टारगेट बनता है उत्पादन का, फिर वहाँ पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट देना है, फिर उसको पैकेजिंग और उसको विभिन्न तरीके से करके उसको बाजार तक पहुँचाना है, तो एक उसका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी गठन हो। लेकिन बात है क्या कि अभी का कल्चर क्या है कि जहाँ तक
किसी और पगड़ी और इसका इंतजाम होता है, सिर्फ वहीं तक जिम्मेदारी अपना समझते हैं पर जनप्रतिनिधि, जबकि उससे आगे की सारी जो प्रोजेक्ट है वो डेथ कर जाती है। तो हम ऐसे कॉपरेटिव सिस्टम को लाएंगे काम में कि यहाँ पर हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दिखेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुझे अवसर मिलता है, हमको काम करने का अवसर मिलता है, तो चाहे वो महिला स्वयं सेवी समूह हो या सारे समूह को, और जो समूह नहीं है किसान का उसको तैयार करेंगे, व्यापारियों का समूह तैयार करेंगे और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कि आपको चेक पे साइन करने तक का अधिकार दिया है, जो कि अधिकार न MLA को है, न MP को है, न मुख्यमंत्री को है, न देश के माननीय प्रधानमंत्री और राज्यपाल को है, राज्यपाल राष्ट्रपति को है। तो बहुत गंभीर जिम्मेदारी है मुखिया के पास, और हम कहेंगे कि हम लोग को इसमें जनता हमको यहाँ एक अवसर दे। हम अपना जो पिछले राजनीतिक जीवन का 30-35 साल का अनुभव है, उस अनुभव के साथ सरकार की योजनाओं को पर पहल करके इस पंचायत सचिवालय को बाकी सरकारी कार्यालय की तरह नियमित करके यहाँ के जनता के साथ बैठकर हर क्षेत्र में एक जो सोच के, जिस सोच और उम्मीद के साथ जनता वोट करती है, उनके इस सोच पर हम खरा उतरेंगे।